मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश शमीम गोली लगने से घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सिपाही अशोक भी गोली लगने से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। हम आपको बता दें कि मामला जानसर कोतवाली थाना क्षेत्र के बलवा चौकी के पास का है, जहां चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक कार को रोकने का प्रयास किया, जिसके बाद कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में बदमाशों पर फायरिंग की, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश शमीम मारा गया, जबकि मृतक बदमाश का साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक सिपाही अशोक को भी गोली लगी है, का इलाज जिला चिकित्सालय में चल रहा है। वहीं बताया जा रहा है कि पुलिस को मुखबिर के द्वारा 1 लाख के इनामी बदमाश शमीम की सूचना मिली थी, जिस पर दिल्ली पुलिस और मुजफ्फरनगर पुलिस की टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए संयुक्त कार्रवाई में जुटी थी। मारे गए बदमाश शमीम पर 50,000 का इनाम मुजफ्फरनगर पुलिस ने रखा हुआ था, जबकि 50,000 का इनाम दिल्ली पुलिस द्वारा भी रखा हुआ था। 1 लाख के इनामी बदमाश शमीम के पास से एक पिस्टल और एक लूटी हुई कार बरामद हुई है। देखिए, एक रोड रॉबर था, उसकी सूचना प्राप्त हो रही थी कि अपने गैंग के साथ से मुजफ्फरनगर एरिया में वो कोई बड़ी लूट की वारदात करने वाला है। पहले दिल्ली पुलिस से भी वांटेड चल रहा था, वहाँ से 50,000 रुपये का इनाम था, और ये हमारे यहाँ से भी डकैती और हत्या के प्रयास में वांटेड और 50,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी था कि जानसठ एरिया में ये अभी वारदात देने के लिए अपने गैंग के साथ एक स्विफ्ट गाड़ी का एक नंबर फ्लैश हुआ, जिस पर कि ये वारदात करने वाला है। इस सूचना पर यहाँ पर टीम चेकिंग पर लगी हुई थी, उसी पर से जब स्पॉट किया गया तो फायर करके भागा, और फिर उसके बाद उसको चेज किया गया। उस चेज में एक्सचेंज ऑफ फायर में एक बदमाश की गोली लगी, और कुछ जो उसके अन्य साथी थे, 2-3 साथी, वो भागने में सफल रहे।